अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित चाहते हो, उसमें जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाओ। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने में कोई फायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेला रहना हो, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी आपको धोखा दे ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। जो जैसा चाहे वो वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपको शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने को ना निकले। अपने लोग नहीं अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी भी उनसे भागना मत। क्योंकि कितनी भी कोशिश करो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का
डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना। उनका दिल भर गया है, ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है, समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियां जैसी भी हों बदलेंगी जरूर। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुर्म सहकर मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। पिता परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें शुक्रिया कहो, जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें जिसने इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी महाभारत नहीं होने देते। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास
जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के आपको कोई भी इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग आपकी बिना मतलब भी इज्जत। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी इंसानों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है, और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।